बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने लेसन की लास्ट सरमन ऑफ रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज के पॉइंट नंबर ए रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस किया था और उसी पे क्विट किया था। आज हम नेक्स्ट मूव करेंगे, उसके लिए नंबर बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नेक्स्ट है, नंबर पेज नंबर 7 नंबर बी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस आंसर के लेक्चर में, तो इसे हम छोड़ के तो नेक्स्ट जो नंबर सी है उस पे आएंगे। नेक्स्ट नंबर सी, नंबर सी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए अल्फाज के मुताबिक खाली जगह पूर करें। नीचे कौन से अल्फाज दिए गए, 6 फिल इन द ब्लैंक्स है और 6 अल्फाज दिए गए हैं। नंबर 1 पार्टनर शरीक, प्रेस हमदोसना, आंसरेबल जवाब दे, हेल्पर्स मददगार, कवर्स अहाता करता है, ब्रदर भाई। हमने जिस फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड सूट करता है उसे पुट कर दिया। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इस्लाम डैश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, अहाता करता है इस्लाम सारी जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। कौन सा लफ्ज पुट करेंगे, कवर्स, कौन सा लफ्ज पुट करेंगे, कवर्स। ऑल डैश बी टू अल्लाह, ऑल डैश बी टू अल्लाह, ऑल डैश बी टू अल्लाह, ऑल डैश बी टू अल्लाह। अल्लाह के लिए क्या है, हमदो सना, सारी हमदो सना अल्लाह के लिए है। ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह। यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस, यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस, यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस। तुम जवाबदेह होंगे अपने अमाल के लिए, जवाबदेह होना आंसरेबल, जवाबदेह होना आंसरेबल, यू विल बी हेल्ड आंसरेबल फॉर योर एक्शंस। Women are our dash who can't manage their affairs themselves. औरतें तुम्हारी डैश हैं जो अपने मामलात का खुद बंदोबस्त नहीं कर सकती। Women are your helpers, मददगार हैं, helpers. There is no god but Allah, the one having no dash with him. अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। Having no partner with him. Every Muslim is the dash of every other Muslim. Every Muslim is the dash of every other Muslim. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, brother. Every Muslim is the brother of every other Muslim. तो next page number 8 पे आ जाए, page number 8 पे आ जाए. Use of thesaurus. Use of thesaurus. Thesaurus क्या होता है? थिसारस डिक्शनरी की तरह एक बुक होती है, डिक्शनरी की तरह एक बुक होती है। उसमें और डिक्शनरी में फर्क यह है कि डिक्शनरी में किसी अल्फाज के एक ही जुबान में या मुख्तलिफ जुबानों में या एक से ज्यादा जुबानों में मीनिंग दिए होते हैं, उसे प्रोनाउंस करने का तरीका या उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई जाती है, उसका यूज बताया जाता है, और उससे जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनके भी मीनिंग बताए जाते हैं और उसकी टाइप बताया जाता है कि ये टाइप, ये वर्ड है, नाउन है, सॉरी ये वर्ब है, नाउन है, क्या है। जबकि थिसारस में, ये थिसारस इज अ बुक कंटेनिंग सिनोनिम ऑफ ए वर्ड। सिनोनिम क्या होते हैं, अल्फाज मुतरादिफ, एक ही तरह के लफ्ज, एक ही तरह के लफ्ज। फॉर एग्जाम्पल ब्राइट, शानदार या चमकदार, ब्राइट स्टूडेंट, शानदार या चमकदार तालिबे इल्म, स्पार्कलिंग शानदार, ब्रिलियंट शानदार, ग्लिटरिंग शानदार, चमकदार, ट्विंकलिंग शानदार या चमकदार, एक ही तरह के अल्फाज यूज किए जाते हैं थिसारस में, जिनके मानी मिलते जुलते हैं, जिनके मानी सेम होते हैं, जैसे फाइट, क्वर, डिस्प्यूट, बैटल, क्लैश, हार्ड, फर्म, सेवर, टफ, स्टिफ, क्राइम, ऑफेंस, सिन, मिसडीड, फॉल्ट। तो जैसे स्टूडेंट्स ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो जो डिक्शनरी में मीनिंग होते हैं और थिसारस में अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है, वो ऐसी बुक होती है जिसमें
उनके सिनोनिम दिए होते हैं, अल्फाज मुतरादफ दिए होते हैं। इसकी एक्सरसाइज है यूज द थिसारस टू राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब क्या है अल्फाज के अल्फाज मुतरादफ लिखने के लिए थिसारस का यूज करें। आपने आप सबके पास थिसारस तो नहीं है लेकिन गूगल अवेलेबल है, आप गूगल पे जाएंगे और सिंपली वर्ड लिखेंगे, सिंपली वर्ड लिखेंगे डिलीवर, डिलीवर के नीचे उसके सिनोनिम आएंगे। जब डिलीवर सर्च होगा तो डिलीवर के नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसके सिनोनिम्स आएंगे, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके सिनोनिम्स निकल आएंगे। वो आपका ऑनलाइन थिसारस होगा और आपने उसमें से वर्ड आइडेंटिफाई करने हैं और उसके तीन तीन वर्ड दिखने हैं इन सब वर्ड्स के अपनी नोटबुक में। ये आपकी प्रैक्टिस है थिसारस यूज करने की। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर, ग्रामर में हमारी तीन चीजें पढ़ेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड प्रोनाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड प्रोनाउन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। नाउन, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, किसी चीज, जगह या शख्स, थिंग, प्लेस और पर्सन, नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन, किसी जगह शख्स या चीज के नाम को नाउन कहते हैं, किसी जगह चीज या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी नाम है, कोई भी इसम है, उसे नाउन कहते हैं। कोई भी नाम या इसम है उसे क्या कहते हैं, नाउन। वो किसी चीज का, जगह का या शख्स। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, इसके नाउन के टाइप्स बहुत ज्यादा है लेकिन हम दो पढ़ेंगे फिलहाल। ग्रामर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन किसी आम चीज, जगह या शख्स का नाम, किसी आम चीज, जगह या शख्स का नाम कॉमन नाउन, और किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम प्रॉपर नाउन। सिंपल सी बात, किसी आम चीज, जगह या शख्स का नाम कॉमन नाउन, किसी खास जगह शख्स या चीज का नाम प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, अगर फिक्रे के शुरू में आए तो फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि प्रॉपर नाउन फिक्रे के स्टार्ट में आए या फिक्रे के एंड पे आए वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो आए इसकी एक्सप्लेनेशन जो बुक पे दी हुई है वो पढ़ते हैं। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, किसी शख्स, जगह या मार्कर। ये रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ये मार्कर मोटा भी हो सकता है, बारीक भी हो सकता है, कट वाला भी हो सकता है, बगैर कट के भी हो सकता है। उन सब के साथ, उन सबको जनरली मार्कर कह सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा चौड़ा भी हो सकता है, ज्यादा लंबा भी हो सकता है, कोन में भी हो सकता है, चौकोर में भी हो सकता है, लेकिन उन सबको क्या कहेंगे उस सारी क्लासेस को, व्हाइट बोर्ड। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड, मैन, आदमी, कोई भी हो सकता है, जितने आदमी है उनमें कोई भी हो सकता है, मैन कोई भी आदमी हो सकता है, लैंड जमीन कोई भी जमीन हो सकती है, लैंड जमीन कोई भी जमीन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, डॉग, बैग, ऑफिस, हॉस्पिटल। और प्रॉपर नाउन दूसरी साइड पे, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम। सिंपली किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम। खास चीज मैन, आदमी, हास मैन को अली, अली सिंपल मैन, कायदे आजम हास, एक बंदे पे स्पेसिफिक महसूस, एक बंदे पे स्पेसिफिक महसूस, उसमें क्लास नहीं है मैन की, अली स्पेसिफिक है, कायदे आजम स्पेसिफिक है, अलामा इकबाल स्पेसिफिक है। ठीक है, वो मैन की क्लास में नहीं है, मैन कॉमन नाउन है और ये स्पेसिफिक है, प्रॉपर नाउन है। लैंड जमीन,
पाकिस्तानी लैंड, पाकिस्तान की जमीन, ये स्पेसिफिक है, लैंड स्पेसिफिक नहीं था, कहीं भी हो सकती है दुनिया में, पाकिस्तानी लैंड, पाकिस्तान की जमीन स्पेसिफिक है, मार्कर स्पेसिफिक नहीं था कोई भी, व्हाइट मार्कर, सॉरी व्हाइट बोर्ड मार्कर, व्हाइट बोर्ड का मार्कर, व्हाइट बोर्ड ब्लैक मार्कर, व्हाइट बोर्ड ब्लैक मार्कर स्पेसिफिक, ब्लैक मार्कर की बात हो रही, रेड येलो ग्रीन ब्लू नहीं हो रही। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की समझ आ गई है। ए कॉमन नाउन डजंट रिक्वायर ए कैपिटल लेटर एंड टेक्स एन आर्टिकल बिफोर इट। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, और ए या एन या दी, ए एन या दी, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन ए कैपिटल विद ए कैपिटल लेटर एंड डजंट यूजुअली टेक एन आर्टिकल बिफोर इट। प्रॉपर नाउन को बेशक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बेशक वो फिक्रे के बीच में या फिक्रे के स्टार्ट में। कॉमन नाउन को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, अगर वो फिक्रे के स्टार्ट में है तो फिर कैपिटल लेटर से। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन आमतौर पर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। रीड पैराग्राफ 3-5 ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स। Read the last paragraphs of the lesson and make a list of proper nouns. इसमें मैं आपको सिर्फ एक दो दो identify करके बताऊंगा, आपने इसकी practice करनी है, आपने इसकी practice करनी है। मैंने पहले आपको detail में समझाया, ये आपका lesson है, आपने इसे search करना है। Paragraph 3-5, paragraph 3 में line number, people listen to my words, people लोग, लोग कोई भी हो सकते हैं, लोग स्पेसिफिक नहीं है, पीपल लोग स्पेसिफिक नहीं है, लोग कोई भी हो सकते हैं। और पीपल ऑफ गुजरांवाला, गुजरांवाला के लोग, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके कहा था ना, वो पीपल महसूस लोग थे। अगर ऐसे देखें, वो पीपल ऐ लोग जो सामने बैठे हैं वो लोग हैं, ऐ लोग जो सामने बैठे हैं, फिर प्रॉपर नाउन बनता है। और अगर वो अगर सिंपली ले एक वर्ड को उठा ले पीपल, तो फिर कॉमन नाउन बनता है। जब रसूलुल्लाह ने सामने इशारा किया वो पीपल ऐ लोगों, तो प्रॉपर था, स्पेसिफिक थे कि इन लोगों से बात हो रही है। लेकिन अगर हम कह दें पीपल लोग, कोई भी लोग हो सकते हैं, वो गुजरांवाला के हो सकते हैं, गुजरात के हो सकते हैं, सिंध के हो सकते हैं, यूएस के हो सकते हैं, आपने उसे एनालाइज भी करना है। उसके बाद है ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, गोरा या काला, काला अफ्रीका का भी हो सकता है और काला सऊदी अरब का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, और गोरा यूरोप का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, अफ्रीका का भी हो सकता है। गोरे को काले पर और काले को गोरे पर, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक भी कॉमन नाउन है और व्हाइट भी कॉमन नाउन है, एक क्लास को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, रीड द लास्ट पैराग्राफ्स ऑफ द लेसन एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन हमने कौन से बताया, लास्ट पैराग्राफ, The holy sermon was delivered by the Rasul in the plain of Arfat. Arfat का मैदान, एक या plain of Arfat, एक या पूरी दुनिया में, plain of Arfat, एक या पूरी दुनिया में, proper noun. Jabal-e Rehmat, एक या पूरी दुनिया में, proper noun. Islam, एक या पूरी दुनिया में, proper noun. आपने इन्हें पढ़ना है और नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, और नाउन की जगह पे प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होता है? नंबर वन, अली स्कूल गया,
अली स्कूल से वापस आया, अली ने खाना खाया, अली ने बैग रखा, अली सोया, अली उठा। अब इतनी दफा अली का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं, इसकी जगह हम प्रोनाउन अगर यूज करें तो फिक्रे में, बोलने में, सुनने में ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अली स्कूल गया, वो स्कूल से वापस आया, उसने खाना खाया, उसने बैग रखा, वो सोया और जागा। अब फिक्रा ठीक है, अब फिक्रा ठीक है। तो नाउन की जगह जो वर्ड्स नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नेम टू अवॉइड रेपिटेशन, उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए, उसे बार बार दोहराने से बचने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे नाउन या नेम कहते हैं। द पर्सनल प्रोनाउन्स आर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, इट, यू, ही, शी, दे, वी, सिंपल अपने याद कर लेने। आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। फ्री प्रोनाउन्स कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे यूज किया जा सकता है। सलीम एंड अजमल आर नेबर्स, दे आर फास्ट फ्रेंड्स। कौन? प्रोनाउन है दे। सलीम और अजमल फास्ट फ्रेंड्स, एवरीबॉडी नोज देम, हर कोई उन्हें जानता है। किन्हें? सलीम और अमजद को, अजमल को। पहले फिक्रे में जो दे है वो बतौर सब्जेक्ट यूज हुआ है और दूसरे फिक्रे में जो देम है वो बतौर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। दे देयर देम, आई माई मी, ही हिज हिम, शी हर हर। एक लेक्चर हो गया इंशाल्लाह लैंग्वेज में इस पे भी। तो रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस, नीचे जो मस्ट में वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ें और फॉलो करें। रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस में यूज हुए उसे फॉलो करें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन ऑन 9th ज़िलहज। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही किसके लिए यूज हुआ? इहतरामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साथ लिखेंगे ही के। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हजरत मोहम्मद लास्ट शर्मा। ऐसे भी तो हो सकता है, यहां पे ही और हिज दोनों प्रोनाउन है। ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और हिज ऑब्जेक्ट। ही एडवाइज्ड हिज कंपेनियन, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हिज कंपेनियन। सेम केस है यहां टू डिवोट देयर लाइव्स, दे देयर देम, टू डिवोट देयर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम। देयर लाइव्स किनकी जिंदगियां? सहाबा की जिंदगियां, कंपेनियंस की लाइफ, कंपेनियंस की लाइफ। तो देयर भी प्रोनाउन है। इफ यू वर आस्क्ड अबाउट मी, If you were asked, you कौन? If companions were asked, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ इशारा करके पूछा था ना, if you were asked, if companions were asked, companions के लिए you, if you were asked about me, किसके मुतल्लिक? रसूलुल्लाह के मुतल्लिक। About me, what would you say? What would you say? तुम क्या कहोगे? What would companions से, ठीक है, आप इन वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह, ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह, सो वी प्रेज हिम, सो वी प्रेज हिम, सो हम उसी की इबादत करते हैं। हम कौन? वी मुस्लिम्स, वी मुस्लिम्स, हम मुसलमान, सो वी प्रेज हिम, हम उसी की इबादत करते हैं। हिम हिम किसके लिए? अल्लाह के लिए। सो वी प्रेज अल्लाह, सो वी प्रेज अल्लाह। हिम किसके लिए? अल्लाह के लिए। वेरीली यू विल सून मीट योर लॉर्ड, वेरीली यू विल सून मीट योर लॉर्ड, यकीनन यू विल सून मीट योर लॉर्ड, तुम बहुत जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे, बहुत जल्द तुम्हारे परवरदिगार से मिलोगे। यू विल सून, you companions are Muslims,
will soon meet their Lord. तो यहाँ पे verily you will soon meet your Lord, you and your. आपने इन्हें अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, ये लेसन प्रैक्टिस वाला है, इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, इसे लर्न करना है और फिर प्रैक्टिस करना है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपने, ठीक है? आज की क्लास के लिए अपडेट।